ये मेटीरियल सिविलाइजेशन का अर्थ होता है केवल अनर्थ, चीज का कोई जरूरत नहीं है, झूठ मोट हम लोग साथ लेते हैं। जैसा समझ लीजिए बीड़ी फूकना, इसका कोई जरूरत है क्या? तो बीड़ी नहीं फूकने से आदमी मर जाता है। तो देखिए बीड़ी का फैक्ट्री हजारों करोड़ों रुपया, ये सब अनर्थ। इसी प्रकार एक एक चीज लीजिए, देखिएगा इसका कोई जरूरत ही है नहीं, और उसी में हम लोग फंसेंगे। अनर्थ, हाँ, इसलिए इस भागवत में बताते हैं अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम मधुपति। अनर्थ उपशमन, ये जो दुनिया में सब अनर्थ हो गया, मनुष्य जीवन का अर्थ यही है जो प्लेन लिविंग, सरल भाव से जीवन को यापन करना और समय को बचा करके हमारा भगवान से क्या संपर्क है, भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज है, और हमको दुनिया में क्यों इतना दुख उठाने पड़ते हैं, और कुछ इसका उपाय है कि नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमको बहुत जरूरी है। ताकि ये सब हम लोग भूल गया, वही अनर्थ में फंस गया। अनर्थ अर्थ, उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु उसी में हम लोग फंस गया है अनर्थ। तो यदि भजन क्रिया ठीक ठीक होगा तो वो जो भगवान में जैसा आसक्ति बढ़ती जाएगी, ये अनर्थ छूट जाएगा। देखिए ये लोग जो था अमेरिकन यूरोपियन भक्त है, इनको शुरू से ही वो इलिसिट सेक्स और क्या नाम अवैध स्त्री संग और मांसादी भक्षण, बचपन से ही इनको पिता माता ये पाउडर क्या नाम मीट उसको पानी से घोल करके, तो बेचारे क्या करें। और शराब पीना, तो माँ बाप शराब पीते हैं, बच्चा भी बैठे हैं, उसको सोडा वाटर देता है पियो, सीखता है। तो ये उनका देश का आचार। अब देखिए जब से ये लोग कृष्ण भक्त हो गया, सब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, बालक ऐसे कुछ नहीं है, जो अभी तो जौवन है, मन का अस्थिर चित्त होना ही चाहिए, बाकी नहीं कोई नहीं, ये जितने है कभी हमको बोलता नहीं जो रुबा हमको कुछ पैसा दिया अच्छा सिनेमा है देखने को जाए, नहीं बिल्कुल सब तक। इसका नाम है अनर्थ निवृत्ति, जो चीज जरूरत नहीं है उसमें क्यों फंस जाना, नहीं ये भजन क्रिया होने से ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। साधु सद्या तत्व साधु संग, और साधु संग करने से संगा संजायत काम, जैसा संग कीजिएगा वैसी कामना हो। शराबियों का साथ संग कीजिए तो शराब पीने को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, और यदि आप साधु का संग कीजिएगा आप भी जल्दी साधु हो जाएंगे। इसलिए ये साधु संग का जरूरत, साधु सद्या तत्व साधु संग तत्व भजन क्रिया अथवा अनर्थ निवृत्ति सार। ये अनर्थ निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर निष्ठा, निष्ठा निष्ठा तत्व निष्ठा तत्व रुचि, रुचि का अर्थ होता है आस्वाद। ये लोग फिर छोड़ नहीं सकता, रुचि हो गई, रुचि नहीं आसक्ति भी होगी, इसका नाम है याद तथा तत्व निष्ठा तत्व रुचि अथा आसक्ति। ये आसक्ति का स्टेज है। तत्व भाव साधु का नाम न प्रादुर्भावी भवेत क्रम, ये क्रम क्रमपंथा है किस तरह से भगवत प्रेम लाभ, और भगवत प्रेम लाभ होने से जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको सुनाया कि भगवत प्रेम हो जाने से फिर भगवान को नहीं देखने से सुनना इतम जगत सर्वम, फिर जगत सुन्न हो जाता जैसे चैतन्य मां। इसका मतलब यही हुआ कि भगवत प्रेम से भगवान के पास आप जा सके, और कोई उपाय नहीं। अब इसीलिए भगवान आते हैं कृष्णा के इधर क्यों सर रहे हो, दुखालय वसा सदम, जन्म जन्मांतर केवल दुख ही प्राप्त करते हो, एक जीवन शेष हो गया
और तथा देहांतर प्राप्ति फिर एक सीरीज शुरू हो गया और वो कोई गारंटी है नहीं कि अभी तो समझ लो इंडियन शरीर है और कोई अमेरिकन शरीर है, हम लोग समझते हैं कि हम बड़ा लीडर है। भाई ये शरीर जब छूट जाएगा तुमको तो और एक शरीर लेने पड़ेगा। इसलिए नास्तिक लोग वो पूर्वजन्म परजन्म है वो लेता है, उसमें बड़ा बखेरा। बाकी नहीं लेने से क्या होगा, प्रकृति छोड़ देगा नहीं। कारणं गुणसंग सदसद जन्म जोनी शुरू, जैसा आप संग किया है उस प्रकार आपको जन्म लेने पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूलात्मा पक्का अहम इति मन्नते। हम इंडिपेंडेंट नहीं, कंप्लीटली अंडर द ग्रीप ऑफ मटेरियल नेचर। दैविद्धेशा गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामीव जो प्रबुद्धंते माया में काम। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन है ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं। रिलीजन तो होता ही है, रिलीजन का अर्थ दूसरा। ये हम लोग जो डिक्शनरी में देखते हैं रिलीजन इज ए काइंड ऑफ फेथ, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट इज कंपल्सरी ड्यूटी, दैट इज रिलीजन। कैरेक्टर दैट इज जैसा पदार्थ में आप देखिए कि जो लंका है वो झाल होगा बंजन, वो इसका रिलीजन। और शुगर जो है मिष्ट होते हैं वो इसका रिलीजन। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ का एक एक कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक को रिलीजन कहा जाता है। तो हम लोग जो जीवात्मा है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये चैतन्य महाप्रभु बता है, जीवेर स्वरूप पाय नित्य कृष्ण दास, ये कैरेक्टरिस्टिक है। जो हम लोग नित्य काल भगवान का दास, ये हमारा कैरेक्टर। वो जब भूल जाते हैं तो हम तो दास को रह जाता है, बाकी भगवान का दास नहीं माया का दास। दास भी छूटता नहीं, इसलिए हम लोग सब सोसाइटी का दास हो जाते हैं और पुत्र का दास हो जाते हैं, कन्या का दास हो जाते हैं, स्त्री का दास हो जाते हैं, समाज का दास हो जाते हैं, देश का दास हो जाते हैं। ऐसे दास ही हम लोग रहते हैं, बाकी भगवान का दास इतना ही। ये मास्टर नहीं है। देखिए अमेरिका इतना बड़ा भारी देश है, वो निक्सन थोड़ा कुछ गलती छलती किया तो दास तो ही था, उसको निकाल बाहर कर दिया बाहर। तो वो समझता है हम मास्टर नहीं, वो दास है, सब दास। ये जो चैतन्य महाप्रभु डेफिनेशन दिया है जीवेर स्वरूप और नित्य कृष्ण दास, तो है तो वो कृष्ण दास भगवान का दास, बाकी माया मोहित हो करके वो समझते हैं मास्टर हम भगवान है, इसका नाम है माया। इसको छोड़ने छोड़ने से सुखी होगा। और उसके लिए भगवान जो बता रहे हैं असक्तम नाम प्रार्थना, वो भगवान में आसक्ति बढ़ाते, ये प्रसाद, ये हम लोग का प्रचार है। जो भक्ति परिश्रम भव विरक्ति अन्नत्र स्यात्, इसका नाम मुक्ति। मुक्ति हित्वा अकारूपं स्वरूपेण अवस्थिति, ये जो हित्वा हम अन्यथा रूप में इसका दास उसका दास उसका विषय का दास हो गया, इसको छोड़ कर हित्या अन्यथा रूपम स्वरूप है कृष्ण दास। ठाकुर एक बड़ा पक्काचार गीत गाया, मायार वसे जातु भैसे खातु हुआ, यू आर बीइंग कैरिड आप नदी में स्रोत में फंस जा और इसमें आपको तकलीफ हो रहा है, आप शिकार कर लीजिए जो आप कृष्ण का दास है मिल जाए। तो कृष्ण इसीलिए आप जब भूल जाते हैं हम लोग जब हम कृष्ण का दास है तो उसका नाम है धर्म सानी, वो ग्लानी। जदा जदा ही धर्म सब ग्लानी भवति भारत आत्मानम सजामहम, जब हम लोग भूल जाते जब हम लोग भगवान का दास है वो धर्म सब
इसीलिए भगवान वो जो धर्म संघ आते हैं वो धर्म क्या है, मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। और जितने सब दास बने हो ये धर्म का दास, धर्म का दास ये सब छोड़ दो, असल में तुम हमारा, हमको हमारा चरण में शरणागत। ये ज्ञान कब होता है, बहुनाम जन्म ज्ञानवान मान प्रबद्धते वासुदेव स्त्री सा महात्मान। तो ये प्रथम विषय है, आप लोग का गुजराती है साधारण तौर से भगवान का भक्त है, अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए और सारा दुनिया में इस तरह से जैसे प्रचार हो इसके ग्राहक है, ऐसी बात आप लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइज इसको प्रचार कीजिए, सहयोग कीजिए, इतना ही आप लोग से निवेदन। हरे Tava kripa hale mor mor katha shuda habe shuniha sabara shoka dukha che guchi bhe nachao 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 prabhu Nachao se mate Bhakti Vedantana Ebe Sartha Sartha